दोस्तों, ये तो उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई है, क्योंकि विक्की कौशल के बयान के बाद हर कोई सलार को देखना ही पसंद करने वाला है। मीडिया से बात करते हुए विक्की कौशल कहते हैं कि प्रभास मेरे फेवरेट हीरो है और मेरी ख्वाहिश है कि सलार भी अच्छी चले और डंकी के सामने सलार को भी अच्छा रेस्पॉन्स करते हैं। और इस बात के बाद मीडिया पर सलार की चर्चा होना एक बार फिर से शुरू हो गई है और विक्की कौशल को भी ट्रोल किया जा रहा है। और एसआर के फ्रेंड्स डंकी को विक्की कौशल को ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी मूवी को छोड़कर सलार की बातें क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, लग रहा है कि इस बार विजय तिलक सलार को लगने वाला है और सलार इंडिया की नंबर वन एक्शन मूवी बन सकती है, क्योंकि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी सलार को सपोर्ट कर रही है और डंकी के भी एक्टर सलार को अपनी बातों से प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा है, सलार सुपर हिट होगी और जो रिकॉर्ड पर बास अन्ना बनाएंगे उसको तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। उसी के साथ प्रशांत नील जैसा डायरेक्टर अगर KGF 2 में इतने ज्यादा एक्शन और इमोशन दिखा सकता है तो मानो सलार में कितनी बड़ी सुनामी नजर आने वाली है। सलार वो बूवी है जिसको छोटा बच्चा तक देखना पसंद करेगा। आदि पुरुष के बाद प्रभास अन्ना की सलार काफी बड़ी मूवी है और जब एक्शन की बात आती है तब हर किसी को KGF 2 याद आती है। इस बार सलार भी काफी बड़ी सुपरहिट होने वाली है, क्योंकि इस बार स्टोरी के मामले में सलार काफी बढ़िया है और इसका चैप्टर वन काफी कमाल का होगा। वहीं इसमें जो एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए हैं वो भी काफी खतरनाक है। 300 करोड़ की बजट में सलार को बनाया जाने वाला है और इसकी एडवांस बुकिंग ने अभी से ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अब शाहरुख खान के चाहने वाले सलार को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि प्रशांत नील का जब जादू जलता है तो बड़े बड़े हीरोज फिलोप हो जाते हैं। जब शाहरुख खान की जीरो आई थी उस टाइम KGF 1 ने शाहरुख खान की बैंड बजाई थी और मुझे लगता है कि इस बार भी शाहरुख खान की बैंड डायनोसर बजाने वाला है और जो रिकॉर्ड सलार एक्शन के मामले में बनाएगी वो डंकी एक साधारण मूवी टिक नहीं पाएगी। प्रभास बाहुबली है और बाहुबली की तलवार के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों, विक्की कौशल की बातों से क्या लगता है, डंकी क्या फ्लॉप होने वाली है? क्या सलार इंडिया की नंबर वन एक्शन मूवी होने वाली है? कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप सलार को सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सलार की सारी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।